गुड मॉर्निंग प्लस टू स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड पोएम, टाइटल या नेम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट मीन शांत रहना, चुप रहना, रिटन बाय पाबलो नेरुडा. Poet name Pablo Neruda. इस पोएम में कवि भागा दौड़ के जीवन से कुछ समय शांत यानी एज ए मेडिटेशन चुपचाप बैठने के लिए कह रहा है. आप सिमिलियर इसकी तुलना आज कर सकते हैं कि जिस प्रकार लॉकडाउन है, ये लोग बिल्कुल अपने सभी प्रकार के कार्य या सभी प्रकार के ड्यूटीज़ को छोड़कर घरों में बंद हैं और पिछले कई दिनों से हैं. ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हम सब ने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, उसका नतीजा है. लेकिन यहाँ कवि हमें कहता है कि 24 घंटे हम जो भी कार्य करते हैं, आप प्लस टू में हैं, आप समझदार हैं, आप दिन में जो काम करते हैं उसका अपने आप में अवलोकन करना कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने आज बुरा किया, और नेक्स्ट डे उसकी प्लानिंग के लिए दो चार मिनट अवश्य निकालने चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 कि अब हम 12 तक गिनेंगे. 12 वर्ड हो सकता है कवि ने, हमने घड़ी में देखा होगा, 12 बजते हैं, साल में 12 महीने होते हैं. किस रूप में लिया ये कवि पे डिपेंड करता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, जिस प्रकार काउंटिंग करते हैं 1 to 12 तक, एंड वी विल आल कीप स्टिल कि हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे. यानी कि 1 to 12 तक प्रत्येक विद्यार्थी, हम सब एक बार आत्म चिंतन करें बिल्कुल चुपचाप होकर. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी पर सभी लोग, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. यानी कि जब हम काउंटिंग 1 to 12 करेंगे तब हम किसी प्रकार की कोई भाषा ना बोलें, अर्थात बिल्कुल शांत रहें, आंखें बंद हों. लेट अस स्टॉप फॉर 1 second, यानी इन कुछ सेकंडों के लिए सब कुछ हम स्टॉप कर दें. एंड नाट मूव अवर आर्म्स सो मच, आर्म्स बाजुएं, और हम बिल्कुल भी अपनी बाजुओं को मत हिलाएं. मीन अर्थात हम किसी को बुरा ना बोलें और अपने हाथ और पांव परमात्मा दिए अच्छे और नेक कार्य के लिए, किसी के बुरे कार्य के लिए लड़ाई झगड़ा ना करें. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक असाधारण विचित्र मोमेंट होता है क्षण बेटे, और ये एक अद्भुत क्षण होगा. यानी कि संसार के अंदर सभी लोग जब आत्म चिंतन करेंगे, और जब ये आत्म चिंतन करने के लिए आज इस वक्त संसार में, पूरे संसार में परमात्मा को ये वक्त दिया कि पिछले 2-3 महीने से कि आगे आपने किस प्रकार के जीवन और नए संसार की कल्पना करनी, वही कवि यहाँ पर बताना चाहता है. विदाउट रस, जिसमें भीड़ भाड़ ना हो, और आपने देखा कि पिछले 40 दिनों से शहर के शहर खाली, सड़कें वीरान, जैसे मानो मानव जीवन ही इस पृथ्वी पर नहीं है, पूरे संसार में ऐसा दिखाई दिया. विदाउट इंजन्स, अर्थात कोई भीड़ ना हो, और किसी भी प्रकार की मशीनरी, जैसे आज बंद है, कवि ने तो बहुत पहले कल्पना की थी कि कुछ समय के लिए बंद हो जाए. वी वुड ऑल बी टुगेदर, और तब आप देखेंगे कि हम सब पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में, कोई भारतीय नहीं होगा, कोई यूरोपीय नहीं होगा, सभी एक जैसे होंगे, सभी भाई भाई होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंगनेस, सडन स्ट्रेंगनेस होता है कि एक अद्भुत और एक अलग प्रकार का ये नज़ारा, ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा. यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ए पोएम नो मैन आर फॉरन इन 9th standard. वो सेम यही चीज़ इसमें रिपीट हो रही है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, आपके भारत के तीनों ओर देखा होगा समुद्र से घिरा हुआ है, लाखों करोड़ों लोग
इस समुद्र के किनारे अपना रोजगार चलाते हैं, अर्थात मछली व्यवसाय। और शायद भारत में, शायद विश्व में भी यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल्स एक मछली है समुद्र में, या कई बार आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा, बहुत बड़ी मछली है व्हेल, कि उस व्हेल मछली को हार्मिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट। और आपने देखा होगा कि गांधी जी का नमक कानून, समुद्र के किनारे लोग नमक बनाते हैं, और जो लोग नमक इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, क्योंकि साल्ट को जब इकट्ठा करते हैं तो हाथ में छाले हो जाते हैं, अर्थात हाथों में नमक नुकसान पहुंचाता है, तो वो लोग भी कुछ समय के लिए रुककर आत्मचिंतन करेंगे। ये दोनों जो लाइन बताता है कि लोग किसी जानवर की हत्या नहीं करेंगे, नमक यानी कि इसको एक बैड के रूप में ले लें हम, कि इस प्रकार का जो कार्य करें वो कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन। सो आज इतना ही, इसको अंडरस्टैंड करना है, कीपिंग क्वाइट। अब तो चलो, परमात्मा ने हमें सोचने पे मजबूर किया है कि पिछले 50 या 55 दिनों से पूरे संसार को 2 और 2.5 महीने से पूरा संसार बंद है, वो आत्मचिंतन करे कि विकास और उन्नति का मतलब क्या है। और यही इसमें कवि बताना चाहता है कि हम 24 घंटे में 1 या 2 मिनट या 3 मिनट अपने आप में आत्मचिंतन अवश्य करें कि हम क्या बनना चाहते हैं, और जो हम कार्य कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, विद पॉजिटिव सोच के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।